घोगा के बहुचर्चित पासपोर्ट स्कैंडल में फंसे आरोपियों में से आज मानयोग्य अदालत श्रीमती दीप्ति गुप्ता ने एसएसपी दफ्तर में तैनात 3 संयुक्त ब्रांच के हवलदार, 1 पोस्टमैन और 1 पासपोर्ट दफ्तर के अधिकारी सहित 25 लोगों को 3-3 साल की सजा और 11,000 रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। जिक्र योग है कि साल 2007 में मोगा जिले के करीब 400 से ऊपर पासपोर्ट गलत ढंग से बनाए गए थे, जिसकी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आज अदालत में कुल 70 आरोपियों को पेश किया गया, जिनमें से 44 लोगों को बरी कर दिया गया और 25 को सजा सुनाई गई है, जबकि 1 को पेंडिंग रखा गया है। आज इस केस फैसला स्टेट वर्सेस जसविंदर सिंह एटसेट्रा, इस केस का फैसला अज मिति 21/2/2018 श्रीमती दीप्ति गुप्ता ECGM मोगा वालों किया गया, जिस विच पासपोर्ट स्कैंडल तहत 25 मुलजमान सज़ा किया वा। जिहड़े मुलजम सज़ा होए गए उन्होंने सारे मुलजमान 3-3 साल की सज़ा तो 11,000 रुपये जुर्माना अंडर सैक्शन 420, 465, 467, 471, 120 BIPC तहत होया है। कुछ दोषी बरी हुए हैं तो बाकी अजे कुछ दोषी जे अजे पकड़े नहीं गए वो PO हैं, जिन्हों के मतलब बाद कार्रवाई केस चलेगा। सर इन चार कोई अधिकारी भी सी जिन्होंने सजा हुई है, इस विच पुलिस मुलाजम भी सके, इन्होंने रल के ट्रैवल एजेंट मतलब जो जाली पासपोर्ट बनाते हैं, जिस मतलब अपने चार पुलिस मुलाजम है, एक अपने पोस्ट ऑफिस का मुलाजम हैगा, एक अपने सुपरटेंडेंट पासपोर्ट ऑफिस का है। ट्रैवल एजेंट किन्ने हैं? ट्रैवल एजेंट 13 ट्रैवल एजेंट है। एक सर ये मानते हो भी जी सज़ा हुई है घट हुई है ये वास्ते भी की अगर कार्रवाई करोगे कोर्ट ये जजमेंट की कॉपी नहीं आई, जो जजमेंट की कॉपी आएगी वो तो उन्होंने कोख के फिर देखा कि सज़ा घट हुई है तो फिर यदि मतलब सज़ा बढ़ाने की वास्ते उपराले किए जाएंगे। शिकायत ASI सतपाल सिंह उन्होंने 2007 मतलब परचा दर्ज कराया सी, 2008 परचा दर्ज होया जिहड़े कि DSP जसपाल सिंह ने इनक्वायरी करके परचा दर्ज किया सी। हरपाल सिंह, दिव्या पंजाब TV, मोगा।